तो गाइस आप सभी लोगों ने अरशद वारसी की न्यूज के बारे में केस के बारे में तो सुन ही लिया होगा, जहां पर उन पर एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि 41 करोड़ का उन्होंने पंप एंड डंप स्कैम किया है। अब ये पंप एंड डंप स्कैम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। एंड बताया जाता है ऐसा न्यूजों में, देखो क्या सच है क्या गलत है वो नहीं कह सकते। अरशद ने लगभग 29 लाख का और उनकी वाइफ में लगभग 37 लाख रुपए का स्कैम किया है। अब ये पंप एंड डंप क्या है, इसके ऊपर चलो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस देखो, पंप का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम डंप का मतलब समझेंगे। पंप का मतलब ये होता है किसी भी शेयर में हवा भर देनी। हवा भर देनी मतलब हाइप बना देना उसकी, और हाइप बनाने के बाद लोगों को बोलना, रिटेल इन्वेस्टर को बोलना कि बाय करो बाय करो बाय करो इसको, ये कुछ महीनों में कुछ सालों के अंदर अंदर कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ महीने कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ये जो है इतना प्राइस टच करेगा, 100 गुना 200 गुना 250 गुना 300 गुना तक का रिटर्न दे सकता है ये वाला शेयर। हालांकि उस शेयर में जान नहीं रहती, लेकिन हाइप बना बना के उसको आसमान तक छू दिया जाता है। और उसके बाद जो ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा होता है, जो हाइप बना रहा होता है उसकी, वो क्या करता है कि पूरा का पूरा, क्योंकि ज्यादातर होल्डिंग उसी के पास रहती है, पूरा का पूरा सेल कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो अपना शेयर बेचता है, पूरा का पूरा जो मार्केट था वो डंप हो जाता है, डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है, और जहां से वो शुरू हुआ था पंप किया था वहीं पे आके रुक जाता है। तो इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। बेसिकली इसका यूज जो है वो लार्ज कैप में तो डेफिनेटली ऑपरेट नहीं कर सकते जल्दी, तो गाइस इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादातर जो ऑपरेटर होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे स्टॉक्स को उठाते हैं जो पेनी होते हैं, जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, 10 रुपए से भी कम के स्टॉक्स को ज्यादातर ऑपरेट किया जाता है, या कई केसों में थोड़े से महंगे स्टॉक्स जो है उनको भी ऑपरेट कर लेते हैं जो मिड कैप में आते हैं। तो इन सबसे बचना कैसे, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऑपरेट कर कैसे लेते हैं, इसकी हाइप बनाते हैं सबसे पहली चीज। अब हाइप कैसे बनाते हैं, कई सारे आपने देखा होगा यूट्यूबर सबसे प्रमोशन करा देते हैं, यूट्यूब पे लोग चिल्लाते हैं ना आके, कोई भी आ जाता है बोलता है ये शेयर ले लो ये शेयर ले लो, इतने महीने में इतनी रिटर्न दे सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है, मतलब अजीब तरह से हाइप बनाते हैं, पेड प्रमोशन होता है वो सब। उसके बाद में कई सारे इंस्टाग्राम पे पेज सब चल रहे हैं जो आपको बताया जाता है कि ये वाला प्राइस इतना टच कर सकता है। फेसबुक पे लोग प्रमोशन कर देते हैं, मतलब छोटी मोटी जहां पे लोग एक्टिव हैं ज्यादा, तो वहां पर जाकर लोग प्रमोशन कर देते हैं, और कम पैसों में प्रमोशन भी हो जाता है एंड उनका फायदा हो जाता है मोटा। पास्ट में हम लोगों ने बड़े बड़े केस देखे, जैसे कि केतन पारिक का हमने स्कैम देखा था, उसके बाद में हर्षद मेहता स्कैम 1992 का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। ACC के अंदर इतनी हाइप बना दी गई थी कि ये आसमान छुएगा, और 200 रुपए का स्टॉक आई थिंक 7000 रुपए तक ले गया था हर्षद मेहता, एंड जैसे ही उसने बेचा अपना शेयर वैसे ही वो प्राइस वहीं का वहीं आ गया। तो ये पंप एंड डंप का बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर आपने अरशद मेहता सीरीज देखी होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो भाई साहब अब इनसे बचे कैसे, आप कैसे बच सकते हो, तो गाइस मैं आपको कुछ मेथड्स आपको बताता हूँ जिनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप इनसे बच सकते हो, और इस स्कैम के आप ना शिकार हो तो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है पंप एंड डंप स्कीम से बचने के लिए। सबसे पहली चीज, आपको जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आई है, आपको जो भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या जेन्युइन है, या कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई ऐसे तो नहीं यूट्यूब पे आके या कहीं पे आके, मतलब आपको जो टिप और एडवाइस आई है उस शेयर के बारे में वो कहां से आई, उसको वेरीफाई करना है, सोर्स क्या है और कितना लीगल है कितना गलत है उसको आप वेरीफाई करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी चीज, आपको प्राइस मूवमेंट पे भी ध्यान देना है, चार्ट को आपको ओपन करना है, चार्ट में देखना है कि क्या कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ महीनों से क्या है इसकी कंडीशन, अगर कुछ महीने से वो साइडवेज था, प्राइस में कुछ खास मोमेंटम नहीं था और एकदम से मोमेंटम आ गया और लोग बाय करे जा रहे, तो उस स्टॉक से दूर रहना है आपको। वो कोई न्यूज और कोई हाइप के कारण उसमें इतना बाइंग प्रेशर आया या सेलिंग प्रेशर आया, तो ये मोमेंटम अगर आप देख रहे हो किसी न्यूज में या किसी शेयर में तो उससे दूर रहना ही बेहतर है आपके लिए। तीसरी चीज, आपको शेयर होल्डर पैटर्न में जाके चेक करना है कि इस जो भी शेयर आपको बाय करने के लिए बोला जा रहा है वहां पे FII DII की कितनी परसेंटेज होल्डिंग है। ज्यादातर केसेस में कोई खास होल्डिंग्स रहती नहीं है, उसको बस रिटेल इन्वेस्टर को ही बाय करने के लिए बोला जाता है और उसी में लोग ट्रैप हो जाते हैं। चौथी चीज, आपको उसका वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम जो है बाइंग सेलिंग का जो ऑर्डर आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है, कितने वॉल्यूम पे आ रहा है, अगर अच्छे वॉल्यूम पे आ रहा है तब तो सही है, और अगर कुछ खास वॉल्यूम नहीं है तो बेकार है भैया, उसमें आप पैसे मत लगाओ। अब ये अच्छे से मेरी क्या डेफिनेशन है, अच्छे से मतलब जो एवरेज वॉल्यूम है उसका, ठीक है, उससे डबल का अगर हो गया तो समझो आप अच्छा है, अच्छा वॉल्यूम चल रहा है उसका, और अगर कुछ खास नहीं है मतलब वही है जो वॉल्यूम चल रहा है उसका, तो समझो वो बेकार है,
वहां पे जरूर किसी ना किसी तरीके से हाइप बनाई जा रही है। और ये कुछ महीनों का आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि क्योंकि हाइप जब बनती है ना तो एक महीने से पहले आपको चेक करना है कि उस टाइम पे क्या था इसमें शेयर। ज्यादातर केसेस में जो वॉल्यूम होते हैं वो ऑपरेटर जो होते हैं वो खुद ही वॉल्यूम बढ़ाते हैं और घटाते रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही बाइक सेलिंग करते रहते हैं। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों से बच के रहना है। ये चार मेथड आप अप्लाई करो कभी भी किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी गाइस जो पेड कॉल मिलते हैं या जो आप शेयर मार्केट की टिप वगैरह लेते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, इस बिल पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख डालो और सच जान लो कि पेड कॉल का क्या सच है। मैं मिलता हूँ आपको इसी वीडियो में।